नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी इस बार यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां एकजुट होकर भगवा पार्टी को सत्ता से हटाने का प्लान बना रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराओ और उन्हें नारा दिया, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। यादव ने एक हिंदी में ट्वीट किया और कहा कि पुलिस सत्ताधारी सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर रही है, पुलिसकर्मी चांदी की लूट में शामिल थे, थाने से चोरी होने का सामान बरामद हो रहा है, क्या डबल इंजन वाली सरकार है भाजपा की, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। आपको बता दें, दरअसल वो स्पष्ट रूप से बीजेपी कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हमला करने और एक पुलिसकर्मी के घर पर चांदी की बरामदी के खिलाफ केस दर्ज करने का जिक्र कर रहे हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। सपा ने 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी और उनमें से 2 रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी से हार गई थी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में यूपी ईज ऑफ डूइंग का मतलब हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार है। क्या इन्वेस्टर समिट ने देसी पिस्टल की आपूर्ति और निर्माण के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हुए थे? क्या कौशल विकास के तहत अपराध प्रदान करने की ट्रेनिंग दी जा रही है? उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय उससे जबरदस्ती वसूली और फिरौती की आजादी है। आपको बता दें, सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार पनपा है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्या उच्च स्तर पर कोई संलिप्तता है? मुख्यमंत्री को अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा याद क्यों नहीं आ रहा? 2024 के आम चुनाव में सपा की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के दावा को छोड़ दे, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा सीट वाराणसी जीते। अगर आपकी पार्टी ऐसा करती है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।